पीएनसीएच अपने कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। सूबे के सबसे बड़ा अस्पताल या यूं कहें कि भारत में सबसे बड़ा अस्पताल जो पीएमसीएच बनने जा रहा है, सरकार उसके लेकर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। और उसमें एक नया मामला सामने आया है जब एक हार्ट के मरीज जो कि पालीगंज के रहने वाले बुजुर्ग जो कि पीएमसीएच में भर्ती होने आए थे, उससे जो कि वहाँ का जो व्यवस्था है निःशुल्क ई रिक्शा, उन्होंने बीमार बुजुर्ग से 50 रुपये का डिमांड कर दिया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो ई रिक्शा वाले हैं वो फ्री में नहीं लगे। तब उन्होंने उनके जो दोनों बेटे हैं अपने गरीबी को देखते हुए अपने जो पिता जो बुजुर्ग है जो बीमार है उसे साइकिल पर बैठाकर संबंधित वार्ड में ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आए दिन पटना के पीएमसीएच लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कभी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी गार्डों के रवैया के लेकर गार्ड के लोग के द्वारा मारपीट किया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीएमसीएच अधीक्षक क्या कर रहे हैं। लगातार पीएमसीएच के अधीक्षक के ऊपर बड़ा आरोप लगते आ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार एक बड़ी कदम नहीं उठा रही है। ऐसे लोगों पर सरकार एक बड़ी कार्रवाई करी। अब देखना यह होगा कि न्यूज़ पीआर के ऊपर खबर चलने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ पीआर पटना। ले जा रहे हैं, पैसा मांगता है ले जाने के लिए ट्रॉली वाला। कौन मांगता है? जो फ्री सेवा है ना इमरजेंसी के लिए, वो पैसा मांगता है। अच्छा, तो तब ले जाएंगे ना? तो नहीं ले जाएंगे। कैसे ले जा रहे हैं? साइकिल से ले जा रहे हैं। क्या हुआ है इनको? उनको हार्ट में दिक्कत है, कुछ पेशाब का प्रॉब्लम है, तो दिखाने गए थे। कहाँ से आए हैं? आए हैं पालीगंज क्षेत्र से। पालीगंज क्षेत्र से। क्या करते हैं आप? हम कारपेंटर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। कब से दिक्कत है? दिक्कत तो एक 10 दिन से है। तो यहाँ कितना दिन से एडमिट? एडमिट थे, एक दो दिन एडमिट थे, फिर ले गए थे घर पे, फिर दिक्कत हुआ तो फिर लाए हैं। अच्छा, तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना था? हाँ, तो अभी कह रहे हैं कि टाटा वार्ड में ले जाओ। अच्छा, तो वो भर्ती कराओ उसमें। अच्छा, तो जा रहे हैं टाटा वार्ड में। लेकिन वहाँ पे ट्रॉली नहीं दिया? कहाँ दिया, कोई सुन ही नहीं रहा है, सुन भी नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड लिखा है विभाग वाला तो दिखता है 3 महीने के बाद। नहीं, यहाँ कितना पैसा मांग रहा था? 50 रुपये मांगता है ट्रॉली से ले पहुंचाने के लिए। वो अचल नहीं आता है, हाथी वाला क्या बोलते हैं, हवा हवा वाला, वो मांगता है। सरकारी है ना, फिर लिख रहे निःशुल्क सेवा।